नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपको अपने जो पानी में मैंने प्लांट ग्रो कर रखे हैं उनका कलेक्शन दिखाऊंगी कि कौन कौन से प्लांट जो है पानी में ग्रो कर रखे मैंने और उनकी क्या केयर टिप्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सॉइल में तो हम बहुत सारे प्लांट लगाते हैं, पर पानी में लगे हुए प्लांट की खूबसूरती और भी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि वो प्लांट एक तो हम इंडोर भी रख सकते हैं, इंडोर रखें चाहे आउटडोर रखें, जैसी प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से प्लांट को रखें तो वो प्लांट जो है ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। साथ ही जो है गार्डन में एक मॉइस्चर का लेवल भी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पानी होता है तो वो पानी जब उड़ता है तो उससे जो है आसपास जो है थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। तो आज आपको मैं अपने सारे जो है मैंने वाटर प्लांट जितने भी ग्रो कर रखे हैं वो सब बताने वाली हूँ। ये जो देख रहे हैं ये वाटर कैबेज का प्लांट है। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, हर जगह मिल जाता है आसानी से। नर्सरी में इसके जो है एक एक फ्लावर जो है 5-5 रुपए में मिल जाता है। अगर आप एक फ्लावर भी ले आएंगे इसका तो धीरे धीरे जो है ये पूरा पॉट भर जाता है। इस प्लांट की ये है, मेरा बीच में बहुत ही बढ़िया ये प्लांट हो गया था तो कुछ गलती के कारण जो है इसमें कुछ लीव्स जो है येलो हो गई हैं। मैं आपको यही सब बातें बताऊँगी। एक तो इस प्लांट को जो है पानी में ग्रो करके आप चाहें तो इसकी तलहटी में थोड़ी सी सॉइल भी डाल सकते हैं, अपने एरिया की गार्डन सॉइल भी जो भी है वो डाल सकते हैं। इस प्लांट में जो होते हैं छोटे छोटे बिंग्स होते हैं इस टाइप से, इससे ये प्लांट जो है फ्लो करता है और ये प्लांट जो है डिवाइड होकर धीरे धीरे पूरे पॉट को भरता है। इस प्लांट को विंटर की ठंड से परेशानी होती है, साथ ही समर की हीट से परेशानी होती है, तो इसके लिए एक जो है आदर्श टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो हर समय हम नहीं मेंटेन हो पाता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। सर्दियों में जो है धूप इसको बहुत पसंद होती है, सर्दियों की धूप में इसको रखा जाता है और रात को जो है ठंड से बचाने के लिए इसको ढका जाता है। ऐसे ही गर्मियों में जो है अभी मैंने सुबह के समय हो रहा है, इस समय 8 बज रहा है, तो ये प्लांट को जो है मैंने अभी इसको सनलाइट पड़ेगी थोड़ी देर से और थोड़ी देर के बाद मैं इसको ढक दूंगी। बीच में कुछ दिन मैंने इसको ढकना बंद किया तो इससे जो है इसकी लीफ बर्न होने लगी, क्योंकि जो भी ये प्लांट हम ग्रो करते हैं ये अक्सर प्लास्टिक के पॉट में ग्रो करते हैं। मैंने भी ये प्लास्टिक के एक टब में ग्रो कर रखा है, तो इसमें क्या होता है पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म होने से उसके जो लीव्स वगैरह होती हैं वो गलने लग जाती है। तो इसलिए अगर आपके पास ये प्लांट है तो दिन की धूप में 12 बजे की 10 बजे के बाद जो धूप पड़ती है उससे इस प्लांट को बचाना चाहिए। पानी इन प्लांट का जो है कब कब बदलना चाहिए इस बारे में यह है कि आप इसका 10 से 15 दिन के अंतराल से इसका पानी बदल सकते हैं पूरा पानी हटाने के लिए, और जो पानी इसका उड़ता रहता है बीच बीच में जब आप धूप में रखे हैं ये, तो इसको जो है उपसाइड किनारों से जो है इसमें और पानी डाल देना चाहिए। पाइप से तेज पानी लगाकर इसके पत्तों के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, उससे भी इसके पत्ते जो है कई बार गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अभी समर है, अगर आप अभी डाल देंगे तो कोई बात नहीं, पर विंटर में जो है इसको जो है बिल्कुल किनारे से पानी जाता है और इसका पूरा पानी नहीं खाली करना चाहिए, थोड़ा सा पानी छोड़ देना चाहिए, पर जब इसके 15-20 दिन में एक बार अच्छे से सफाई करेंगे उस समय आप इसका पूरा पानी हटा सकते हैं। ये बरसात आते आते बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, साथ ही इसमें जो है कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं आप, जैसे काउडंग कंपोस्ट का जो लिक्विड बनाते हैं, क्योंकि इनको जो है नाइट्रोजन पसंद होती है इसलिए इसमें डाला जा सकता है। पर अभी बहुत गर्मी हो रही है, इस समय मई का महीना चल रहा है, इस समय अगर आप कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो अच्छी है, बस अपने प्लांट की को सेफ रखना है, वो बचा रहे। तो बारिश आने तक जब जुलाई अगस्त का महीना आएगा उस समय ये बिल्कुल तेज़ इतनी ग्रोथ करते हैं कि इनको निकाल निकाल कर भी फेंकना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, इस प्लांट को अपने यहाँ ऐड करें आप। ये जो देख रहे हैं ये वाटर लिली का प्लांट है, ये इसी बार मैंने अपने गार्डन में ऐड कर रखा है, इसमें अभी तक कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। इस प्लांट को लाकर मुझे कहीं से ये किसी ने गिफ्ट दिया था, तो इसको लाकर मैंने छोटे से टब में रखा है, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा नहीं है तो अभी शुरू में ही बड़ा टब नहीं दिया है। उसमें जो है थोड़ी सी मैंने इसमें सेंड रख रखी है, अपने रेत मिलाई और कुछ जो है थोड़ी सी गार्डन की सॉइल मिलाई है और थोड़ी सी काउडंग कंपोस्ट बनाया है, तो उसका जो है नीचे इसकी तलहटी में वो रखकर उस पर इस प्लांट को लगा रखा है। प्लांट ने ग्रोथ पकड़ ली है, प्लांट में बहुत सारी लीव्स आने लग गई हैं, तो इसकी भी केयर इसी तरह से करनी चाहिए कि इसका पूरा पानी मैं नहीं निकाल रही हूँ, किनारे से इसमें पानी डाल दे रही हूँ। तो और ये प्लांट अभी मेरे पास सेफ है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जैसे ही इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं दिखाऊँगी।
अगर इस प्लांट को जो है अकेले तेज़ धूप में छोड़ देंगे तो ये प्लांट थोड़ा जल्दी मर जाएगा। तो मैंने देखिए ऐसा कर रखा है, ये प्लांट है और इधर मेरा ये एक्जोरा का प्लांट है। तो एक्जोरा की जो इस पर जो बड़े बड़े पॉट हैं उनकी जो है इस पर सेड पड़ रही है, तो उससे ये प्लांट सेफ़ रहता है कि इस पर थोड़ी सी सेड पड़ जाती है, छन के धूप आ रही है इसके ऊपर, धूप बहुत अच्छी पड़ रही, बाहर रखा है, सनलाइट हर वाटर ग्रोइंग प्लांट को चाहिए होती है। तो ये जो है वाटर लिली वगैरह को तो विशेष चाहिए होती है, ये चीज़ जो है खुले में रहने की आदि होती हैं, पर क्योंकि हमने ये प्लास्टिक के पॉट में ग्रो कर रखे हैं इसलिए थोड़ी सी इनके ऊपर जो है बड़े प्लांट की छाया पड़ रही है। गर्मियों का समय है, इस समय जो है मच्छर मक्खी भी बहुत होते हैं, इसलिए जो है ये वाटर बॉडी जो बनाते हैं हम, मैं पहले वीडियो में बताया था मैंने, तो उनमें जो है थोड़ा सा जो है आप जब इसका 15-20 दिन में आप पानी पूरी तरह से बदलते हैं तो उस समय इसमें कुछ थोड़ी कुछ बूंदें जो है नीम ऑयल की आप डाल दीजिए, तो उससे भी जो है मच्छर मक्खी इसमें नहीं पनपते हैं। मेरा ऐसे ही ये ऊपर में ही रखा हुआ है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि मेरी गार्डन में लेमन ग्रास वगैरह भी बहुत लगी हुई है, उससे भी मच्छर नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्लांट मैंने जो पानी में ग्रो कर रखा है ये है सिंगोनियम का प्लांट है। सिंगोनियम के मेरे बहुत सारे प्लांट जो मेरे लगाती रहती हूँ पानी में, मुझे बहुत ही पसंद आता है क्योंकि ये प्लांट जो है पानी में बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आसानी से चल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इस प्लांट को भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आप इसमें जो है इस प्लांट को पानी में ग्रो करके कहीं सनलाइट वाले प्लेस में अगर आप रखते हैं तो इसमें जो है इसके कलरफुल इसका पॉट लेना चाहिए। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो आप जो है इस तरह से पानी में आसानी से वाइट वाले बर्तन में ग्रो कर सकते हैं कांच के। इस पर जो है कुछ पेबल्स डाल दिए जाते हैं जिससे कि इसकी जड़ों में डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और ये खूबसूरत भी दिखाई दे। इसका भी पानी जो है हफ्ते में आप बदल सकते हैं, और साथ ही ज़रूरी नहीं है कि पूरा पानी एक बार में ही इसका निकाला जाए। इसमें जो है हर तीसरे चौथे दिन जब पानी सूख जाता है, कम दिखने लगता है, तो आप ऊपर से और पानी डाल दीजिए। साथ ही जो है इसकी जड़ों में जब आप 10-15 दिन में पूरी इसकी जड़ें साफ़ करते हैं उसके बाद पानी दोबारा देते हैं तो उसमें कुछ बूंदें जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डालने से प्लांट की जड़ों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं। ये प्लांट जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, घर की हवा को शुद्ध रखता है, और ये जो है जहाँ पर लगा होगा बहुत ही खूबसूरत है। मैंने अपने ड्राइंग रूम में अपने जो है डाइनिंग टेबल पर इस तरह से प्लांट को पानी में लगा कर रखती हूँ मैं। ये तो मनी प्लांट है, ये भी जो है पानी में अगर सफ़ेद वाले मैंने बर्तनों में ग्रो कर रखा है तो पेबल्स डाल रखे हैं इनमें। ये नर्सरी से जो है इस तरह के पेबल्स मिल जाते हैं, रेडीमेड बने हुए पत्थर जो होते हैं थोड़े कलरफुल होते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इसमें एक ये लगा रखा है पानी में। ये सेंसिबेरिया है, सेंसिबेरिया को पानी में ग्रो करने का मेरा फर्स्ट नया एक्सपीरियंस है, मैंने इससे पहले नहीं करा है। आप देखिए इसका रूट स्ट्रक्चर इतना अच्छा बना हुआ है, ये भी मैं इंडोर ही रख रही हूँ, और ये मैंने एक ट्रे पर जो है कुछ प्लांट को अरेंज कर रखा है अपने। तो इस तरह से देखिए इसमें जो ये आपको नया शूट्स दिख रहे हैं ये सब इसकी न्यू ग्रोथ है, और ये इसकी डॉर्फ वाली वेराइटी है। देखिए बहुत ही अच्छा ये प्लांट चल रहा है, करीब इसको 3-4 महीने से इस तरह से पानी में लगा है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, नीचे नीचे साइड में इसे पानी दे रखा है। तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छा चल रहा है। ये सेंसिबेरिया घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में आता है, साथ ही जो है अस्थमा के मरीजों के लिए इसकी जो इससे जो हवा जो स्पर्श होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो इस प्लांट को भी अपने इंडोर और गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं, अपने बेडरूम में भी इस प्लांट को पानी में लगा के रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई मच्छर नहीं होंगे, बस आप इसमें कुछ बूंदें जो है नीम के तेल की डाल दें। वैसे भी आप नियमित रूप से सफाई करते रहेंगे तब भी मच्छर नहीं होते, आप ना भी तो ये जो आप देख रहे हैं ये लक्की बैम्बू का प्लांट है, ड्रेसिना फैमिली को बिलोंग करता है, घर में शुभ इसको लगाना शुभ माना जाता है। ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, मेरे पास जो है इसको 2 साल करीब हो गए। मैं आपको एक बार इसका रूट स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए इसका रूट स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बना हुआ है। तो इस तरह से इसकी स्टिक है, अब ये स्टिक बहुत ज़्यादा इसने देखिए 2 साल से पानी में ग्रो हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है इसने। तो मैं इसकी स्टिक को काट के नीचे से काट के जो है ज़मीन में लगा दूँगी या किसी सॉइल में लगा दूंगी, तो उसके बाद जो है ऊपर वाली जो है नीचे से मेरे को नए प्लांट मिल जाएंगे, और ऊपर वाली जो बहुत ज़्यादा ये हाइट ले चुका है अभी प्लांट, तो इसकी कुछ हाइट कम हो जाएगी। तो ये प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत कम केयर चाहिए होता है। अगर आपकी किसी वाटर प्लांट की जो है थोड़ी सी पत्ती ख़राब हो जाती है, देखिए मेरी ये पत्ती ख़राब हो रही है, तो इसमें पूरे पत्ती हटाने की जरूरत नहीं है, किनारे से कैंची से आप हल्की सी इसमें कटिंग कर दें तो उससे भी ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं।
ये है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन जो है अगर हम पानी में लगाते हैं तो टोटल ये प्लांट मेरे हिसाब से तो टोटल ये इंडोर नहीं चल पाता है। इसको जो है आपने ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर जो है विंडो में सनलाइट पड़ती हो, वहाँ पर ये प्लांट चल जाता है। तो ये देखिए, ये मेरी ग्रीन कलर की है और ये मेरी पर्पल कलर की है। तो इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्रो कर रखा है, इसको काफ़ी दिन हो गए हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपका इस प्लांट में बहुत अच्छी रूट बन जाती है तो उसके बाद आप निकाल कर इस प्लांट को किसी जगह पर जो है किसी सॉइल वगैरह में ग्रो कर दीजिए। तो वैसे पर जितना ज़्यादा जो है सिंगोनियम वगैरह हार्डी होते हैं उतना हार्डी ये प्लांट नहीं हो पाता है। कुछ दिनों तक ये इसमें बहुत अच्छा चलता है। तो ये या फिर जिसमें नीचे जो कंद होता है इसमें, वो कंद वाले प्लांट को अगर आप पानी में आधा डिप करके लगाएंगे तो वो बहुत दिन चल जाता है। पर सिंपल सी कटिंग लगाएंगे तो ये मेरे ख्याल से अभी इसमें देखिए कितनी अच्छी रूट बन गई है मेरे इसमें। ये देखिए बीच में जो है एक बंच बना के मैं इस तरह रबड़ बैंड लगा देती हूँ। तो रबड़ बैंड लगा के इसको मैंने इस तरह से पानी में रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। ये है सिंगोनियम और मनी प्लांट दोनों। ये मैंने पूरे जो है एक ट्रे है, ट्रे पर मैंने जो है कुछ दो प्लांट सेंसिबेरिया के इस तरह से रखे हुए हैं। ये देखिए मैंने ये जो ट्रे अपने जो है इंडोर में प्लेस कर रखी है, अपने बेडरूम में ही रख रखी थी तो मैं उसको आपको भी दिखाने के लिए बाहर लाई हूँ। ये देखिए एक छोटे से इसमें तो मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से, और इस तरह से जो है एक में जो है ये लक्की बैम्बो और ये सेंसिबेरिया के दोनों प्लांट इस तरह से रखे हुए हैं। बीच बीच में जो है इनका कभी कभी पानी बदल देते हैं। बहुत अच्छा चलता है ये प्लांट जो है जहाँ पर रखे रहते हैं। पूरी ट्रे को मैं उठा के जब मेरी मर्जी होती है मैं पूरी ट्रे अपने किचन में ले जाती हूँ और उसको पूरा वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से, तो फिर दोबारा से इनको जो है उसी जगह पर रख देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं ये प्लांट। वाटर में जब आप प्लांट लगाते हैं तो उनकी जो है जड़ों को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बार बार उनको हर बार जो है हर हफ्ते भर आप निकाल के उनकी जड़ों को धोएंगे तो जड़ें सोख हो जाती हैं और फिर प्लांट जल्दी मर जाता है। इसलिए जो है अपने जो है वाटर प्लांट के जो है बहुत इसकी जो है हर बार जब पानी ख़त्म होता है तो आप ऊपर से हल्का सा किनारे से पानी डाल दीजिए और जो है 15 दिन में एक बार जो है इसको अच्छी तरह से निकाल के धो के और इसकी जो जिस भी इसमें बर्तन में आपने लगा रखे उस बर्तन को भी अच्छे से मार देना चाहिए क्योंकि उसको भी इंसेक्ट फ्री कर देना चाहिए। और उसके बाद प्लांट को अच्छे से धो के फिर लगा देंगे। देखिए मेरा ये जो है लक्की बैम्बू का प्लांट जो है 2 साल से करीब हो गया है इस तरह से। ये एक जो टूटा हुआ मग है उसमें चल रहा है ये, और मैं इसकी बहुत ज़्यादा विंटर में ज़्यादा छिड़खानी नहीं करना चाहिए विंटर में क्योंकि पानी भी कम उड़ता है। समर में जो है पानी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है इसलिए इसका पानी डालते रहना चाहिए। अब पानी की बात करते हैं, आप इसमें सिंपल जो है आपका टैप वाटर आता है आप उसका इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं है कि RO का ही वाटर इस्तेमाल करें। तो से भी ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने पानी में ग्रो किए हुए कुछ प्लांट का कलेक्शन दिखाया, उनके बारे में बताया, उनकी कुछ केयर टिप्स बताई। और अगर आपका कोई इसमें जो है लक्की बैम्बू का आपने बंच बना रखा है वो ख़राब होने जाता है तो उसमें से जो ख़राब हो गया उसको हटा देना चाहिए क्योंकि वो और ब्रांचेज को भी इन्फेक्टेड करता है। पर मेरा जो है ये बहुत समय से चल रहा है, बार बार नहीं छेड़ती हूँ तो बहुत सही चल रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।